एमएससी सेकंड सेम के विद्यार्थियों से आज फिर वर्चुअल क्लास के माध्यम से बात करने का मौका मिल रहा है। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो टोपोलॉजी के पेपर से सेपरेशन एग्जोम्स फॉर ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो टोपोलॉजी का जो शुरू का भाग है वो तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ही चुके हैं, इसलिए जहां भी इंट्रोडक्शन या कुछ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी वो हम डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे जो डिस्कशन का फ्लो है, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स जिसमें हम आपसे बात करेंगे, फिर मेन टॉपिक सेपरेशन एग्जोम्स, और उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेपरेशन एग्जोम्स। तो ये तीन विषयों पर हमें आज बात करना है। और आप लोग तैयार रहे, हम लोग क्योंकि टोपोलॉजी आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है तो जो भी ऐसे विषय होंगे जो आप लोगों के पूर्व में पढ़े हुए हैं तो उन पर हम चाहेंगे कि आप हमको प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप लोग अगर तैयार हैं, धार के विद्यार्थी अभी बैठ ही रहे हैं, हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजी में ओपन सेट, और ये आप लोगों ने पढ़ी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि ओपन सेट से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न से हम शुरू करेंगे, और ये टोपोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो कौन बताना चाहेगा? धार कॉलेज, व्हाट इज ए ओपन सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस? होशंगाबाद से कोई बताएंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट से आप क्या समझते हैं? ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, पर जब तक हम इनके बारे में फिर से बात नहीं करेंगे आपको आज का टॉपिक समझ में आने वाला मुश्किल होगा। तो ओपन सेट की जो कॉन्सेप्ट होती है वो ये होती है कि टोपोलॉजी में जो भी सेट हैं, एवरी सेट विच इज इन द टोपोलॉजी इज एन ओपन सेट। हर वो सेट जो टोपोलॉजी में है उसे हम ओपन सेट कहते हैं। मैं एक बार आपको टोपोलॉजिकल स्पेस की पूरी डेफिनेशन को रिवाइज कराता हूँ, आपको पूरी डेफिनेशन से याद आ जाएगा कि ओपन सेट क्या होते हैं। हम एक सेट लेते हैं एक्स जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम इसके सबसेट्स का एक कलेक्शन लेते हैं, उसका नाम रखते हैं टी। उसमें हमने इसके 5 सबसेट ले लिए, एम्प्टी सेट 5, एक 1 और 2, एक 3, एक 1, 2, 3 और एक एक्स। ये हमने कलेक्शन ले लिया। अब टोपोलॉजी होने की 3 शर्तें होती है। पहली शर्त, एम्प्टी सेट 5 टी में है और एंटायर सेट एक्स टी में है, 5 बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त होती है कि इफ जी आई बिलोंग्स टू टी देन यूनियन जी आई बिलोंग्स टू टी, इट मीन्स आर्बिट्रेरी यूनियन बिलोंग्स टू टी। कितने भी सेट हम ले लें उनका आर्बिट्रेरी यूनियन हमें टोपोलॉजी में मिलता है। एंड थर्ड एंड लास्ट, इफ g1, g2, gn belongs to t, then their intersection belongs to t. It means finite intersection belongs to t. तो ये 3 शर्तों का अगर पालन हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि xt is a topological space. xt को हम topological space कहते हैं, और जो t है इस t को हम topology कहते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, मैंने पूरा आपको रिवाइज करा दिया। इसमें जो टी में जो सेट्स हैं, 5 सेट आपको दिख रहे हैं, ये 5ों सेट ओपन सेट है। एवरी सेट जी बिलोंग्स टू टी इज एन ओपन सेट। जो सेट 1, 2 है ये एक ओपन सेट है, जो सेट 3 है ये एक ओपन सेट है। तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट की कॉन्सेप्ट। बट 1, 4 इज नॉट एन ओपन सेट। क्यों ओपन सेट नहीं है? क्योंकि ये टी में नहीं है। आप देख रहे हैं टी में नहीं है ये, इसलिए ओपन सेट नहीं है। परंतु 1, 2 टी में है इसलिए 1, 2 एक ओपन सेट है। तो मैं समझता हूं आपको याद आ गया होगा कि टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट क्या होता है। आप देखिए कि टोपोलॉजी की शर्त है कि फाई और एक्स हमेशा टी में होने चाहिए, इसलिए बेसिक प्रॉपर्टी याद रखें,
फाई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन सेट्स, ये दोनों हमेशा ओपन सेट हो। तो इस प्रकार ये ओपन सेट की कॉन्सेप्ट को हमने रिवाइज किया, क्योंकि सेपरेशन एग्जाम्स में आज के टॉपिक में ओपन सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए हमने ओपन सेट से शुरुआत की। चलिए दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, आप लोगों को शायद याद होगा, व्हाट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्योंकि पहले हम तीन उन टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर सेपरेशन एग्जाम्स डिफाइंड होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी? नया नहीं है ये, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं आप। कोई बोलना चाहेगा? सर बाबर सेट को डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलेंगे। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पीजी कॉलेज धार। पीजी का नाम क्या है आपका? सत्या प्रजापति। ठीक है सत्या, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसी टोपोलॉजी जो सारे पॉसिबल सबसेट्स को रखती है, विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स। जैसे एक उदाहरण है, एक्स में तीन एलिमेंट है 1, 2, 3 और इसके पावर सेट में 8 सबसेट बनेंगे, वो 8 सबसेट को हमने रख लिया है। तो ये जो टोपोलॉजी है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सभी ओपन सेट्स आ गए हैं। इसके ठीक अपोजिट एक और टोपोलॉजी होती है विच इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है कि वो टोपोलॉजी जिसमें केवल दो सेट होते हैं, फाई और एक्स, इसके अलावा कोई और ओपन सेट नहीं होते। जैसे एक्स को हमने लिया 1, 2, 3, 4 और हम टोपोलॉजी में केवल दो सेट लेते हैं, एक फाई और एक इंटायर सेट एक्स। ये जो टोपोलॉजी होती है इसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली सेपरेशन एग्जोम्स को जो कॉन्सेप्ट आई है वो इसी टोपोलॉजी के कारण आई है। कैसे? देखिए दो एलिमेंट लिए हमने, एक 2x में है और 3x में है। अब अगर हम ये कोशिश करें कि हमें कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाए जिसमें ये दोनों एक साथ ना हो, तो यहां पर ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। एक सेट फाई है जिसमें दोनों में से कोई भी नहीं है, न 2 है न 3 है। दूसरा सेट एक्स है जिसमें दोनों हैं, 2 भी है और 3 भी है। तो क्या समस्या आ रही है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ये समस्या आ रही है, दिस पॉइंट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय ओपन सेट्स। इनको ओपन सेट की सहायता से हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, हम ऐसे ओपन सेट नहीं बना पा रहे कि एक में 2 हो और एक में 3 हो, अलग अलग। ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की प्रॉब्लम है। तो सेपरेशन एग्जोम की जो कॉन्सेप्ट है वो इसी समस्या का निराकरण करती है। पहले हम सेपरेशन एग्जोम्स के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बात करते हैं। पहली, व्हाट इज सेपरेशन एग्जोम्स? दिस इज फाइंडिंग ओपन सेट्स टू सेपरेट पॉइंट्स एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। दो अगर अलग अलग पॉइंट्स हैं तो उनको सेपरेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं सेपरेशन एग्जोम्स, ये कहलाते हैं सेपरेशन एग्जोम्स। ये जो हमने एक अभी इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी ली थी इसमें यह समस्या है कि ओपन सेट हमें मिलते ही नहीं है दो के अलावा। तो सेपरेशन एग्जोम्स क्या करता है? इट गिव्स द गारंटी ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ ओपन सेट्स। इसमें केवल दो ही ओपन सेट मिल रहे हैं, जबकि सेपरेशन एग्जोम्स के कारण हमको सफिशियंट नंबर ऑफ ओपन सेट्स मिलते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और सेपरेशन एग्जोम्स की तीसरी विशेषता, रिजल्ट बिकम मोर इंटरेस्टिंग ड्यू टू रिचनेस ऑफ ओपन सेट्स। आप देखिए जो पहली टोपोलॉजी है उसमें केवल दो ही ओपन सेट हैं, जो दूसरी टोपोलॉजी डिस्क्रीट उसमें सारे ओपन सेट हो गए हैं। तो इन दोनों टोपोलॉजी में जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रेवल हो जाते हैं, ये सेल्फ प्रूव हो जाते हैं, रिजल्ट में कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो अगर रिजल्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमारे पास में रिचनेस ऑफ पावर सेट होना चाहिए, केवल दो नहीं और सारे भी नहीं, दो से ज्यादा हों और सारे सबसेट से कम हो, पावर सेट से कम हो। ऐसी टोपोलॉजी इंटरेस्टिंग होती है जिसमें ओपन सेट दो से ज्यादा हो और पावर सेट से कम। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन एग्जोम्स। तो अब हम सेपरेशन एग्जोम्स के बारे में बात करते हैं। पांच सेपरेशन एग्जोम्स होते हैं। हम सबसे पहले वाले को शुरू करते हैं, T0। आप याद रखें सेपरेशन एग्जोम्स क्या होते हैं? जो पॉइंट्स को ओपन सेट की सहायता से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक्स लिया और एक टोपोलॉजी ली,
अब दो पॉइंट हमें लेना है x नॉट इक्वल टू y. तो अलग अलग पॉइंट हम कौन कौन से ले सकते हैं? यहां पर तीन संभावनाएं, वन और टू दे आर नॉट सेम, टू एंड थ्री दे आर ऑल्सो नॉट सेम, वन एंड थ्री दे आर नॉट सेम. इसके अलावा और कोई संभावना नहीं. अब हमें ऐसे ओपन सेट सर्च करना है जो इनको अलग कर सके. व्हाट इज ट्रिजर एग्जेंस? देखिए, एक सेट है हमारे पास g इक्वल टू वन, इट इज एन ओपन सेट. वाई? दिस बिलोंग्स टू t. और इस ओपन सेट की खासियत है वन इसमें है, टू इसमें नहीं है. तो एक ऐसा ओपन सेट मिल गया हमें जो एक पॉइंट को रखता है और दूसरे को नहीं रखता. इसी प्रकार जो दूसरा कॉम्बिनेशन है टू थ्री, उसके लिए भी हमें ओपन सेट मिल रहा है. g इज इक्वल टू टू, वन पॉइंट बिलोंग्स टू g, द अदर डज नॉट बिलोंग. इसी प्रकार तीसरे के लिए, इसके लिए भी हमें एक ओपन सेट मिलता है वन, वन इसमें है, थ्री इसमें नहीं है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टी जीरो एग्जाम्स. क्या हो रहा है? एक ऐसा ओपन सेट खोजना जिसमें एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट नहीं है. तो अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. आप इसको नोट कर लें, x2 स्पेस, दिस इज t0 स्पेस, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, नॉट t2 स्पेस, इट इज t0 स्पेस. एक ऐसा ओपन सेट मिलता है x g में है और y g में नहीं है, या y g में है और x g में नहीं. ये जो ऊपर t2 स्पेस लिखा है इसको आप t0 स्पेस रीड करें, इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक. सेपरेशन एग्जाम्स की डेफिनेशन है, स्पेस xt को हम t0 स्पेस कहेंगे यदि ऐसा ओपन सेट g मिलता है एक पॉइंट g में है दूसरा पॉइंट g में नहीं है. मैं रिपीट कर दूं, ऊपर की जो लाइन है उसको आप प्लीज ऐसा नोट करेंगे, xt इज ए t0 स्पेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ t0 स्पेस. क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम t1 एग्जाम्स पे बात करते हैं. अब t1 एग्जाम्स t0 स्पेस से थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हमने दो पॉइंट लिए, टू और थ्री. t0 में हमने क्या किया था? एक ओपन सेट प्राप्त किया, लेकिन t1 में हमें दो ओपन सेट प्राप्त करना. हमने दो ओपन सेट लिए, एक g और एक h. इसकी क्या विशेषता है? पहला पॉइंट g में है, दूसरा पॉइंट g में नहीं है. इसी के साथ दूसरा पॉइंट h में है, पहला पॉइंट h में नहीं है. t0 में हमें केवल एक ओपन सेट मिला था, इसमें हमें दो ओपन सेट मिलते हैं. कंडीशन क्या है? एक पॉइंट g में होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरा पॉइंट h में है, पहला पॉइंट h में नहीं. ऐसा हर पेयर के साथ होना चाहिए. हमने अभी केवल टू और थ्री को देखा. अगर हम इसे वन और थ्री के साथ देखेंगे तो हमें ऐसे सेट मिलना संभव नहीं है. आप करके देखिएगा इसको. जब आप वन और थ्री के साथ करेंगे, ऐसे दो सेट मिलना संभव नहीं है. दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टी वन स्पेस. इट डज नॉट सेटिस्फाइड सेपरेशन एग्जाम्स टी वन. तो टी वन एग्जाम्स के लिए क्या होना चाहिए? हर पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए. तो आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें. एक्स टी इज ए टी वन स्पेस इफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट सेम, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स जी एंड एच. सच दे, दो ओपन सेट मिलना चाहिए. कैसे? एक्स जी में है लेकिन वाई जी में नहीं है. इसके साथ ही वाई एच में है लेकिन एक्स एच में नहीं. इस शर्त का अगर पालन होता है, हम कहते हैं ये स्पेस टी वन स्पेस. टी जीरो से थोड़ा सा डिफरेंट है ये. वहां एक ओपन सेट मिलता है, यहां दो ओपन सेट मिलते हैं. कुल मिला के पांच सेपरेशन एग्जाम्स को हम आज देखेंगे. दो एग्जाम्स आपने देख लिए, इसको नोट करते जाएं. आखिरी में हम इसकी समरी देखेंगे ताकि आपको एक साथ याद रहेगा सेपरेशन एग्जाम्स पांचों. नेक्स्ट स्पेस पर चलते हैं, T2.
इसे हम हॉसडॉर्फ स्पेस भी बोलते हैं। ये थोड़ा और स्ट्रांग है, ये कंडीशन एक के बाद एक स्ट्रांग होती जाती है। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई दो पॉइंट हैं, दोनों सेम नहीं हैं, और दो ओपन सेट मिलते हैं जी और एच, एक्स जी में है वाई एच में है एंड जी इंटरसेक्शन एच इक्वल टू फाई। मतलब एक पॉइंट एक ओपन सेट में, दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट में, और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जी इंटरसेक्शन एच नॉट इक्वल इक्वल टू फाई, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। टी वन में यह होता है कि एक्स अगर जी में है तो एक्स को एच में नहीं होना चाहिए, वाई अगर एच में है तो वाई को एक्स में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उनमें कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन टी टू में क्या होता है, उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जी और एच मस्ट बी डिसजॉइंट। ये आपने नोट कर लिया। अब दो एग्जाम्स और हमें पढ़ना है, टी थ्री और टी फोर। तो टी थ्री और टी फोर के लिए एक कॉम्बिनेशन है। टी थ्री स्पेस वो होता है जो रेगुलर होता है, और टी वन स्पेस विच इज रेगुलर एंड टी वन इट इज टी थ्री स्पेस। इनको नोट कर लें आप। इसी प्रकार स्पेस इज टी फोर इफ इट इज नॉर्मल एंड टी वन। टी फोर स्पेस मतलब जो नॉर्मल है और टी वन है, टी थ्री स्पेस मतलब जो रेगुलर है और टी वन है। तो अब अगर हमें टी थ्री और टी फोर को पूरी तरह समझना है तो हमें यह देखना होगा रेगुलर स्पेस का क्या मतलब है और नॉर्मल स्पेस का क्या मतलब है। तो अब हम रेगुलर और नॉर्मल स्पेस को पढ़ते हैं। पर रेगुलर और नॉर्मल स्पेस की कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले हमें फिर रिवाइज करना होगा क्लोज्ड सेट, क्योंकि उसके बिना हम रेगुलर और नॉर्मल को नहीं समझ पाएंगे। तो अब क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, आप बताएं व्हाट इज द क्लोज्ड सेट इन टोपोलॉजिकल स्पेस। क्या समझते हैं आप टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज्ड सेट से? मंदसौर कॉलेज से कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड सेट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस? क्योंकि क्लोज्ड सेट की कॉन्सेप्ट को समझे बिना हम रेगुलर और नॉर्मल स्पेस नहीं समझ पाएंगे। एनीवन फ्रॉम मंदसौर कॉलेज? चलिए एक छात्रा बता रही है, बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट। वेरी गुड। टोपोलॉजी में क्लोज्ड सेट का मतलब होता है ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट। इफ जी इज ओपन सेट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस जी इज क्लोज्ड सेट। तो मंसूर से छात्रा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक उदाहरण देखते हैं, आप लोगों को याद आ जाएगा। हाँ बताएं। होशंगाबाद से। हाँ बोलें। चलिए एक उदाहरण देखिए। एक्स एक सेट है, उसकी टोपोलॉजी है टी। हम एक ओपन सेट लेते हैं जी और देखते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है क्लोज्ड सेट। ओपन सेट हमने लिया वन और टू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट पता होंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्स में से इन एलिमेंट्स को हमें हटाना है, थ्री फोर फाइव, दिस इज क्लोज्ड सेट। इसी प्रकार एक ओपन सेट लेते हैं थ्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है वन टू थ्री, वन टू फोर एंड फाइव। एक्स में से जी के एलिमेंट को हटा देते हैं तो ये बन जाते हैं क्लोज्ड सेट। ठीक है, जबलपुर के स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, फिर अगला प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो ये क्लोज्ड सेट होते हैं क्योंकि फाई और एक्स ओपन सेट होते हैं, इसलिए इनके कॉम्प्लीमेंट एक्स और फाई हमेशा क्लोज्ड सेट होते हैं। इसको याद रखिए, फाई और एक्स ऐसे होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज्ड सेट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम रेगुलर स्पेस की कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
रेगुलर स्पेस। हमने एक टोपोलॉजी ली एक्स और टी और एक पॉइंट लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टू। टी जीरो टी वन टी टू में हमने क्या किया था, दो अलग अलग पॉइंट लिए थे। रेगुलर स्पेस में हम एक पॉइंट लेते हैं और एक क्लोज्ड सेट लेते हैं। तो यहां हमने क्लोज्ड सेट लिया 4 5। व्हाई इट इज 4 5 इज क्लोज्ड, बिकॉज 1 2 3 इज ओपन, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट 4 5 इज क्लोज्ड। तो रेगुलर स्पेस में हमने एक पॉइंट लिया और एक क्लोज्ड सेट लिया, और शर्त यह होती है कि ये पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड सेट। और अब हम क्या करते हैं, दो ओपन सेट प्राप्त करते हैं, एक G 1 2 और एक H 3 4 5। और देखिए जो पॉइंट है 2 वो G में है और C का हर पॉइंट H में है, एवरी पॉइंट ऑफ C बिलोंग्स टू H। और इसके बाद ये भी देखिए कि G और H में कुछ कॉमन भी नहीं है, G एंड H आर डिसजॉइंट। तो जो हाउसडॉफ स्पेस में या टी टू स्पेस में जो पॉइंट्स के लिए होता है वो रेगुलर स्पेस में एक पॉइंट और एक सेट के लिए होता है। एक पॉइंट लिया 2, एक सेट लिया 4 एंड 5, 2 उसमें नहीं है, दो ओपन सेट प्राप्त किए, एक पॉइंट एक सेट में है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर स्पेस। तो इसकी अब प्रॉपर डेफिनेशन देखें, रेगुलर स्पेस का मतलब एक्स टी इज अ रेगुलर स्पेस इफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सी इज क्लोज्ड सेट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, पॉइंट को क्लोज सेट में नहीं होना चाहिए और ऐसे दो ओपन सेट मिलना चाहिए जी और एच कि एक्स जी में हो, सी सबसेट हो एच का और जी इंटरसेक्शन एच इज फाई। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस में जो बात दो पॉइंट के लिए होती है, रेगुलर स्पेस में वही बात एक पॉइंट और एक क्लोज्ड सेट के लिए होती है। और जैसा कि अभी हमने देखा था शुरू में, टी थ्री एग्जाम्स का मतलब क्या है, स्पेस विच इज रेगुलर एज वेल एज टी वन। जो स्पेस रेगुलर भी होगा और टी वन भी होगा वो टी थ्री स्पेस कहलाएगा। दिस इज सेपरेशन एग्जाम्स टी थ्री। अब हम अंतिम एग्जाम्स की ओर बढ़ते हैं, टी फोर स्पेस। टी फोर स्पेस के लिए हमें पता होना चाहिए नॉर्मल स्पेस क्या है। तो नॉर्मल स्पेस के लिए फिर हम देखिए एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया एक्स टी। अब हम इस बार दो क्लोज्ड सेट लेंगे। रेगुलर में हमने एक पॉइंट लिया था, एक सेट लिया था। अभी नॉर्मल में क्या करेंगे, दोनों सेट लेंगे, सी 1 2 इट इज ए क्लोज सेट, डी इज इक्वल टू 4 5 इट इज ऑल्सो ए क्लोज सेट। वाई क्लोज, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट्स और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सी और डी ऐसे क्लोज लेना है, सेट लेना है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दे मस्ट बी डिसजॉइंट। इसके बाद हम दो ओपन सेट प्राप्त करते हैं, एक ओपन सेट जी, एक ओपन सेट एच। और हम देख सकते हैं सी के सारे पॉइंट जी में है, इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक। डी के सारे पॉइंट एच में है, सी सबसेट ऑफ जी, प्लीज नोट करें सी सबसेट ऑफ जी नॉट एच, और डी सबसेट ऑफ एच, दोनों एक जी का सबसेट है एक एच का, और जी और एच भी ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नोट करें ये जो एच है इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक, इट इज अ जी, सी सबसेट ऑफ जी, डी सबसेट ऑफ एच, जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। तो ये नॉर्मल स्पेस की हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है। स्पेस एक्स टी इज नॉर्मल स्पेस, एक्स टी इज ए नॉर्मल स्पेस नॉट रेगुलर इफ सी इज क्लोज्ड सेट, डी इज क्लोज्ड सेट एंड देयर आर टू ओपन सेट जी एंड एच, सी सबसेट ऑफ जी, डी सबसेट ऑफ एच एंड जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। ये नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन है। और जैसा कि हमने अभी पहले देखा था
कि स्पेस T4 होता है, मतलब वो नॉर्मल भी है और T1 भी है. स्पेस इज T4 इफ इट इज नॉर्मल एंड T1. तो अब इस जो हमने पांच सेपरेशन एग्जाम्स देखे हैं, इस पांचों सेपरेशन एग्जाम्स की हम एक समरी देख लेते हैं. पांच एग्जाम्स है हमारे पास. जो T2 है इसे हम हाउसडॉर्फ स्पेस भी कहते हैं. जो T3 है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर एंड T1. T4 स्पेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड T1. शुरू में हमने कहा था, आपको याद होगा, कि ऐसे ओपन सेट चाहिए जो पॉइंट को सेपरेट करें. तो ये किस तरह से सेपरेट करते हैं? T0 दो पॉइंट को सेपरेट करता है एक ओपन सेट की सहायता से. दो अलग अलग पॉइंट एक ओपन सेट की सहायता से सेपरेट होते हैं. T1 में दो अलग अलग पॉइंट दो ओपन सेट की सहायता से सेपरेट होते हैं. ये T0 T1. T2 की क्या खासियत है? दो अलग अलग पॉइंट दो ओपन सेट की सहायता से सेपरेट होते हैं और दोनों ओपन सेट में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए. दे मस्ट बी डिसजॉइंट. T1 में पॉइंट कॉमन हो सकते हैं परंतु T2 में पॉइंट कॉमन नहीं होते. T3 में क्या होता है? रेगुलर स्पेस की कॉन्सेप्ट है. एक पॉइंट और एक क्लोज्ड सेट दो ओपन सेट की सहायता से सेपरेट होते हैं. जी और एच ओपन सेट हैं, डिसजॉइंट हैं, एक पॉइंट को और एक सेट को सेपरेट करते हैं. फाइनली नॉर्मल स्पेस दो क्लोज्ड सेट सी और डी दो ओपन सेट जी और एच की सहायता से सेपरेट होते हैं. तो ये सेपरेशन एग्जोम्स की कॉन्सेप्ट है. पांच महत्वपूर्ण सेपरेशन एग्जोम्स हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों सेपरेशन एग्जोम्स समझ में आ गए होंगे. अब आज के फाइनल तीसरे पार्ट की ओर हम बढ़ेंगे. इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके पहले यदि किसी सेपरेशन एग्जोम्स की कॉन्सेप्ट को आपको समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं. अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं और उसको क्लियर कर देता हूं. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेपरेशन एग्जोम्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर. और अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये मानते हुए कि आपको पांचों क्लियर हो गए हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज की ओर मैं आगे बढ़ता हूं. मैट्रिक स्पेस आप लोगों ने पढ़े हैं तो सेपरेशन एग्जोम्स की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ T0 स्पेस, एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ T1 स्पेस एज वेल एज T2 स्पेस, T3 स्पेस एंड T4 स्पेस. इसको आप याद रखिए, हर मैट्रिक स्पेस T0, T1, T3, T2, T3, T4 सब होता है. इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए या कहीं आपसे पूछा जाए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ T2 स्पेस, यू कैन टेक एनी मैट्रिक स्पेस. किसी भी मैट्रिक स्पेस को उठा लें, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन एग्जाम्स स्पेस. हम इसका एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखते हैं. एक मैट्रिक स्पेस लिया हमने XG और इस मैट्रिक स्पेस में हमने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए, एक एक्स है और एक वाई है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला हमने dxy. आप लोग जानते हैं dxy डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव और क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट हैं इट कैन नॉट बी जीरो, इसलिए धनात्मक है. अब हम क्या करते हैं, एक ओपन बॉल लेते हैं. मैट्रिक स्पेस में कॉन्सेप्ट आपको पता होगी ओपन बॉल की. ओपन बॉल जिसे नेबरहुड भी कहते हैं. तो हम एक ओपन बॉल लेते हैं जिसका सेंटर एक्स है. ये जो डॉट आप देख रहे हैं ये डॉट जो है ये सेंटर पॉइंट है, एक्स और वाई के बीच का मिडिल पॉइंट है. हमने रेडियस जो ली है वो मिडिल पॉइंट से ज्यादा ले ली तो मिडिल पॉइंट को भी उसने क्रॉस कर दिया. अब हम वाई को रखने वाला एक ओपन बॉल लेते हैं, वाई उसका सेंटर है, दोनों में कुछ पॉइंट कॉमन आ गए हैं. इस प्रकार दो ओपन सेट मिल गए हमें
और ये ओपन सेट कैसे मिले? ये ओपन सेट ऐसे हैं कि x G में है परंतु y G में नहीं है, दूसरी ओर x H में नहीं है परंतु y H में है। तो ये मैट्रिक स्पेस क्या प्रूव कर रहा है, कौन सा स्पेस है ये, कोई बताएगा? इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने के बाद मैट्रिक स्पेस कौन सा स्पेस हुआ? T1 स्पेस। वेरी गुड। कहाँ से बोल रहे हैं आप? होशंगाबाद। नाम बताएंगे आपका? रूपाली चौधरी। हाँ रूपाली, ये बिल्कुल सही जवाब है। XG इज अ T1 स्पेस, क्योंकि ये T1 स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी प्रकार हम मैट्रिक स्पेस को पांचों स्पेस प्रूव कर सकते हैं। इसी में स्लाइड चेंज करते हैं, देखिए इसी में स्लाइड चेंज करेंगे और ये T2 स्पेस हो जाएगा। बाकी के फिर आप करके देखिएगा, मैं T2 को और बता रहा हूँ। हम दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, DXY पॉजिटिव है, इसको हमने हाफ कर लिया, इसको हाफ कर लिया और इस हाफ से भी रेडियस को छोटा कर दिया। पिछली बार क्या किया था, रेडियस ज्यादा ली थी, इस बार रेडियस को हाफ से कम लेते हैं, तो नेबरहुड थोड़ा छोटा हो गया। ओपन सेट सेंटर x है, दूसरा वाला लिया उसकी रेडियस भी r से कम है, इस बार थोड़ी सी कंडीशन बदल गई, x g में है y h में है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, g इंटरसेक्शन h बिलोंग्स टू नो दे कंटेंस नो कॉमन पॉइंट, इट मीन्स इट इज अ T2 स्पेस, मैट्रिक स्पेस इज हॉल्ज़ाब स्पेस। तो इस प्रकार मैट्रिक स्पेस T1, T2, T3, T4 किसी का भी बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग याद रखें और बाकी के आप प्रूव करके देखें, इसी प्रकार से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हायरार्की ऑफ स्ट्रॉन्गर कंडीशंस। ये जो सेपरेशन एग्जोम्स होते हैं ये एक हायरार्की को पालन करते हैं। ये हायरार्की शब्द से आप परिचित हैं? मैथमेटिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप हायरार्की वर्ड इस शब्द को जानते हैं क्या है इसका मतलब, तब आपको ये सेपरेशन एग्जोम्स की हायरार्की समझ में आएगी। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ हायरार्की? चलिए मैं बताता हूं, ये जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी कहना चाहिए, जैसे आपके कॉलेज में एक प्रिंसिपल हैं, 10 साल पहले एक दूसरे प्रिंसिपल थे, फिर उसके बाद वो रिटायर हो गए, दूसरे प्रिंसिपल आए, फिर वो रिटायर हो गए, तीसरे प्रिंसिपल आए, तो ये एक प्रिंसिपल्स की हायरार्की है। ये सबसे पहले प्रिंसिपल थे, फिर वो सेकंड नंबर पर वो आए, तो ये इसको एक जो ये सीढ़ी होती है इसको हायरार्की बोलते हैं। तो सेपरेशन एग्जाम्स एक हायरार्की का पालन करता है। वो हायरार्की क्या होती है? एवरी T1 स्पेस इज अ T0 स्पेस। जो स्पेस T1 होगा वो T0 होगा, जो स्पेस T2 होगा वो T1 होगा, एवरी T3 स्पेस इज अ T2 स्पेस, एवरी T4 स्पेस इज अ T3 स्पेस। तो ये एक चेन बनती है, T4 इज T3, T3 इज T2, T2 इज T1, T1 इज T0। तो ये जो चेन है जैसे ये हायरार्की बनती है पूरी। पर इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। हम ये नहीं कह सकते कि T2 स्पेस T3 होगा या नहीं होगा, T1 स्पेस T2 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। पर हायरार्की स्ट्रॉन्गर कंडीशंस की हायरार्की क्या होगी? T4 देन T3 देन T2 देन T1 देन T3। इसके भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है, हम किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। हम इसका प्रूफ देखते हैं, T3 स्पेस T2 कैसे होता है। एवरी T3 स्पेस इज ए T2 स्पेस। हम मान लेते हैं कि XT एक T3 स्पेस और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये T2 है। तो अभी मैंने बताया आपको स्पेस T3 है मतलब क्या है, वो रेगुलर है और T1 है। स्पेस T3 मतलब उसे रेगुलर होना चाहिए और T1 होना चाहिए। हमें प्रूव क्या करना है? T2 स्पेस हॉज़ाब प्रूव करना है। तो हॉज़ाब प्रूव करने के लिए हमने क्या किया,
दो पॉइंट ले लिए, एक ए एक बी, और दोनों पॉइंट बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। हमें बताना है टी टू स्पेस, मतलब हमें क्या बताना चाहिए, हमें ऐसे दो ओपन सेट प्राप्त करना है, ए जी में होना चाहिए, बी एच में होना चाहिए, जी और एच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये स्पेस टी टू हो जाएगा। तो हमने ए एक्स में ले लिया, बी एक्स में ले लिया, और ए और बी बराबर नहीं है। तो हम प्रूव करते हैं। तो ये जो बी बी जो पॉइंट है उसको हमने सिंगल सेट बना दिया, सिंगलटन सेट बी। तो निश्चित रूप से ए बी में नहीं है, क्योंकि ए और बी अलग अलग है, ए बी में नहीं है। और टी वन स्पेस की एक विशेषता होती है कि सिंगल सेट क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि बी सिंगल सेट है, इट इज ए क्लोज्ड सेट। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अब घर जाके आप इसको देखिए कि सिंगलटन सेट क्लोज्ड क्यों होते हैं टी वन में। इसका बहुत अच्छा प्रूफ है, आपको बुक में मिलेगा, क्योंकि यहाँ टाइम का बाउंडेशन है, मैं आपको हर प्रूफ नहीं बता पाऊंगा। ये आपके होमवर्क के लिए, देखिएगा कि कैसे सिंगलटन सेट क्लोज होते हैं टी वन में। तो यहां पर क्या हो गया, हमें एक पॉइंट मिल गया ए और एक क्लोज्ड सेट मिल गया बी, और ए बी में नहीं है। स्पेस कैसा है, रेगुलर। तो रेगुलर स्पेस होने के कारण हमको दो ओपन सेट मिल जाएंगे, जी और एच। वी कैन फाइंड टू ओपन सेट्स जी एंड एच। कैसे, ए जी में मिलेगा, बी सबसेट, सेट बी सबसेट होगा एच का, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, दे आर डिसजॉइंट बाय द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस। इसी कंडीशन को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ए जी में है, बी एच में है, जी और एच में कुछ कॉमन नहीं है। और यही शर्त बताती है कि एक्स टू इज ए टी टू स्पेस। इट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ, एवरी टी थ्री स्पेस इज अ टी टू स्पेस। इस प्रकार आप बाकी के प्रूफ भी कर सकते हैं, आप लोग इसको करके देखिएगा। अब हम एक और बात इसकी इंपॉर्टेंट करके हायरार्की वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जो टी टू स्पेस है वो टी थ्री होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट टी थ्री इज ऑलवेज टी टू। आप के लिए एक और होमवर्क है, जब आप टी टू स्पेस के साथ जोड़ देंगे कॉम्पैक्टनेस, इफ स्पेस इज कॉम्पैक्ट एंड टी टू, इट विल बिकम टी थ्री। एवरी कॉम्पैक्ट हाउस्ड ऑफ स्पेस इज टी थ्री। अकेला टी टू टी थ्री होगा या नहीं पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट है तो टी थ्री होगा। इसी प्रकार टी थ्री इज टी फोर मे और मे नॉट बी, पर अगर वो कॉम्पैक्ट है तो ये टी फोर हो जाएगा। तो ये होमवर्क है आपके लिए, करके देखिए। पर यहां पर मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्टनेस। ये तो पढ़ रहे होंगे आप लोग, टोपोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं लगातार बोलूं, तो थोड़ा आपको ही मौका मिलना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। मंदसौर से कोई बताएं, सर माइक बता रहे हैं, अगर कोई बोलना चाहे। चलिए, क्योंकि मेरे पास टाइम का बाउंडेशन है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये भी आपके लिए एक होमवर्क है, देखें इसको, रिवाइज करें पुराने कॉन्सेप्ट्स को। अगली प्रॉपर्टी में हम आते हैं, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, और इसके बाद फिर एक अंतिम प्रॉपर्टी और बचेगी, तो मेरी तरफ से टॉपिक क्लोज हो जाएगा। व्हाट इज हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। हेरिडेटरी शब्द का मतलब आप जानते होंगे, हेरिडिटी वंशानुगत बोलते हैं। जैसे अगर एक पिता संगीतकार है तो उसके बेटे में भी संगीतकार के गुण आ गए, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी। या मेडिकल में काफी शब्द यूज होता है, किसी को डायबिटिक है और उसके बेटे को भी डायबिटिक हो गया, या बेटी को डायबिटिक हो गया, तो कहते हैं हेरिडिटरी है। तो ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी सेपरेशन एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे,
उसके पहले एक कॉन्सेप्ट फिर हमको देखना पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी समझ नहीं पाएंगे. सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया हमने 1, 2, 3, 4, उसका एक सबसेट ले लिया 2 और 3, इट इज ए सबसेट ऑफ एक्स. अब सबसेट होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है. सबसेट होना सब स्पेस होने की गारंटी नहीं है. क्या जरूरी है? इसे भी, इस स्वयं को भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए. जो y है इसे भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए. इफ y इज ऑल्सो ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन y इज ए सब स्पेस ऑफ x. तो सब स्पेस का मतलब क्या हुआ? एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका एक सबसेट है, उसका एक पार्ट है, और वो सभी सबसेट भी टोपोलॉजी की तीनों शर्तों का पालन करता है, तो हम कहते हैं कि वो एक सब स्पेस. ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया. देन एक कॉन्सेप्ट और हमें देखना पड़ेगा, व्हाट इज ओपन सेट इन सब स्पेस, क्योंकि इसके बिना हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी समझ नहीं पाएंगे. व्हाट इज ओपन सेट इन सब स्पेस, ये भी बहुत सिंपल है. वाई एक सब स्पेस है एक्स का. जी हमने एक ओपन सेट लिया एक्स में. जी इज सबसेट ऑफ एक्स. जी इज ओपन मतलब ये काय में ओपन है? एक्स में ओपन है. और इस जी के साथ, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, इस जी के साथ वाई का इंटरसेक्शन लेंगे. तो जी के साथ वाई का इंटरसेक्शन लेंगे. नाउ इट इज ओपन इन वाई. जो सेट एक्स में ओपन होता है उसका सब स्पेस के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, जी इंटरसेक्शन वाई. नाउ इट इज ओपन सेट इन वाई. तो ये भी आपको याद आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे. एक्स इज 1, 2, 3, 4, 5. वाई इज ए सब स्पेस 1, 2, 3, 4. टी इज ए टोपोलॉजी. जी इज ओपन सेट 3, 4, 5. इट इज ओपन सेट इन एक्स. इसका हम वाई के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इट इज 3 और 4. नाउ इट इज ओपन इन वाई. 3, 4, 5 ओपन इन एक्स, बट इट्स इंटरसेक्शन विथ वाई ओपन इन वाई. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया. अब हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी पे आते हैं. वाई सबसेट है एक्स का. तो जैसा मैंने बताया था ना वंशानुगत में, पिता संगीतकार है तो बेटा भी संगीतकार है, तो ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है. एक्स अगर T0 है तो वाई भी T0 है. एक्स अगर T1 है तो वाई भी T1 है. एक्स अगर T2 है वाई भी T2. ये सारे सेपरेशन एक्सोम्स इस प्रॉपर्टी का पालन करते हैं. स्पेस की अगर वो प्रॉपर्टी है तो सब स्पेस की भी वही प्रॉपर्टी. तो ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है. इसमें काफी सारा आपके लिए होमवर्क है. मैं केवल एक प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको बताता हूं कैसे होता है. एक्स अगर T1 स्पेस है तो वाई T1 स्पेस कैसे होता है, कैसे ये प्रॉपर्टी हेरिडिटरी सब स्पेस में भी ये कैसे आ जाती है. हमने x को माना है T1 और y को बताना है T1. तो हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए a और b y में, क्योंकि हमें y को बताना है T1 और ये दोनों बराबर नहीं है. a इज नॉट इक्वल टू b. आपको याद होगा T1 अभी बताया था हमने. T1 मतलब दो, हमें क्या प्राप्त करना है, दो ओपन सेट प्राप्त करना है, g और h. एक पॉइंट g में होना चाहिए, एक पॉइंट h में होना चाहिए, और रिवर्स नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट एच में ना हो, पहला पॉइंट जी में ना हो. तो ये प्रॉपर्टी T1. हमने ए को वाई में लिया, बी को वाई में लिया, परंतु वाई सबसेट है एक्स का. सब स्पेस से मतलब सबसेट तो है ही. तो ये दोनों पॉइंट काय के हो गए, एक्स के हो गए, क्योंकि वाई सबसेट है एक्स का. तो ए भी एक्स में आ गया, बी भी एक्स में आ गया, और दोनों अलग अलग हैं. ये कौन सा कॉलेज है? पन्ना कॉलेज के विद्यार्थी मोबाइल बंद कर दें, 10 मिनट में मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मैं भी मोबाइल चलाऊंगा, आप भी मोबाइल चला. तो ए और बी दो पॉइंट हो गए एक्स के, दो ओपन सेट हमको, क्योंकि एक्स को हमने कैसा लिया है, T1. तो T1 होने के कारण ए और बी
के लिए हमें दो ओपन सेट मिल जाएंगे, ए जी में है बी जी में नहीं है, और ए एच में नहीं है बी एच में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टी वन स्पेस। तो ये ओपन सेट काय में मिले हैं, एक्स में, और हमें मिलने काय में चाहिए वाई में, क्योंकि हमें प्रूव किसको करना है, वाई को, वाई को टी वन स्पेस प्रूव करना है। तो हमें ये ओपन सेट वाई में मिलना चाहिए, और अभी हमें ये जी और एच मिले हैं एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्स में ओपन है, हम इनके इंटरसेक्शन ले लेते हैं वाई के साथ, जी इंटरसेक्शन वाई, एच इंटरसेक्शन, ये कैसे हो गए ओपन इन वाई, अभी हमने डिस्कस किया था, ये ओपन हो गए वाई में। इस प्रकार अब ये प्रॉपर्टी देखिए, ए जी में है और बी जी में नहीं है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ए जी इंटरसेक्शन वाई में है, बी जी इंटरसेक्शन वाई में नहीं है। इसी प्रकार ए एच इंटरसेक्शन वाई में है और बी एच इंटरसेक्शन वाई में है, ए नहीं है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज उसकी, जो ओपन सेट मिल गए हमें वाई में मिल गए, एक मिल गया हमें जी इंटरसेक्शन वाई, दूसरा मिल गया एच इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार ये हेरिडिटरी है, किसी भी स्पेस के लिए हम प्रूव कर सकते हैं वाई इज ऑल्सो ए टी वन स्पेस। फाइनली आखिरी प्रॉपर्टी टोपोलॉजिकल स्पेस, ये अंतिम प्रॉपर्टी है, इसके बाद मेरी बात समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म मतलब एक फंक्शन होता है एफ एक्स से वाई, जो तीन शर्तों का पालन करता है, इट मस्ट बी वन वन ऑन टू, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, इट्स इनवर्स मस्ट बी कंटिन्यूअस। तीन शर्तों का अगर पालन होता है तो हम इसे कहते हैं होम्योमॉर्फिज्म, और वाई को कहते हैं एक्स की होम्योमॉर्फिक इमेज। तो देखिए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अगर y x की होम्योमॉर्फिक इमेज है तो जैसा x होगा वैसा y होगा। x अगर t0 है तो y भी t0 है, x t1 है तो y t1 है, x t2 है तो y t2 है, ऐसा चारों स्पेस के लिए होता है। दिस इज द टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टाइम का बाउंडेशन है, मैं आपको इसका प्रूफ नहीं बता पाऊंगा, इसको करके देखिए आप। के डी जोशी की किताब बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें दी हुई हैं, उसमें आप देखिए और आपको इनके सबके बहुत अच्छे प्रूफ मिलेंगे। दिस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, अगर होम्योमॉर्फिज्म में है तो जैसा स्पेस होता है वैसी उसकी होम्योमॉर्फिक इमेज होती है। प्रूफ को मैं आगे बढ़ाता हूं, और इस प्रकार आज हमने जो कुछ डिस्कस किया उसको दो मिनट में वाइंड अप करता हूं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होते हैं, आज हमने देखा ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज्ड सेट क्या होते हैं, आज हमने सेपरेशन एक्सोम्स देखे, T0, T1, T2, T3, T4 क्या होते हैं, रेगुलर स्पेस देखे, नॉर्मल स्पेस देखे, हमने मैट्रिक स्पेस देखे कि हर मैट्रिक स्पेस TI स्पेस, सबका बेस्ट एग्जांपल है मैट्रिक स्पेस, हमने हायरार्की देखी सेपरेशन एक्सोम्स, T4 इंप्लाइज T3, इंप्लाइज T2, इंप्लाइज T1, इंप्लाइज T4, हमने हेरिडिटरी देखी सेपरेशन एक्सोम्स की, वाई अगर इसका सब स्पेस है तो जैसा स्पेस होता है वैसा ही उसका सब स्पेस होता है, और फाइनली हमने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखी टी आई स्पेस, मतलब होम्योमॉर्फिक है, जैसा स्पेस होता है वैसी उसकी होम्योमॉर्फिक इमेज होती है। तो मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म हो गया, आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छा पेपर है ये, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आमंत्रित। जो कुछ भी मैंने आज बताया है उसके बारे में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो स्वागत है। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं, आगे फिर हम मिलेंगे कभी, तो आपको कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।